न्यूज तक की सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। बताएंगे आपको वो तमाम खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी की मौत, सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन पर बड़ी सुनवाई, बर्ड फ्लू का खतरा 10 राज्यों में फैला। और न्यूज तक पर देखिए कोविशील्ड किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में जाएगी। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने एससी को बताया कि प्रदर्शनकारियों में ये गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद में कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जाँच नहीं की है। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि ये तो 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। देश के किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसलें बेचने के लिए मौजूदा विकल्प के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है। इससे साफ है कि किसानों का कोई भी निहित अधिकार इन कानूनों के जरिए नहीं छीना जा रहा है। दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की दस्तक के साथ ही अब देश के 10 राज्य एवियन फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। भोपाल की लैब से मिली रिपोर्ट में दिल्ली के 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी मरे हुए पक्षियों में फ्लू की पुष्टि की गई है। महाराष्ट्र के परभणी, मुंबई, ठाणे, बीड और डपोल में पक्षियों की मौत की वजह से बर्ड फ्लू ही है। दिल्ली की संजय झील, मयूर विहार फेज 3 और द्वारका सेक्टर 9 में कौओं और बतखों की मौत की वजह बर्ड फ्लू बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने डिब्बा बंद चिकन पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद संजय झील में बतखों को मार दिया गया। प्रोटोकॉल के हिसाब से इन्हें झील के एक किनारे में दफनाया गया है और झील को सैनिटाइज कर दिया गया है। मयूर विहार फेज 3 और द्वारका सेक्टर 9 के पार्क को सैनिटाइज करने के बाद बंद कर दिया गया है। केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक और उनकी पत्नी गोवा में हादसे का शिकार हो गए। सड़क हादसे में श्रीपद नायक घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी विजया नायक की जान चली गई। हादसे के बाद दोनों लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी पत्नी को नहीं बचाया जा सका। इस हादसे में पार्टी कार्यकर्ता की भी मौत हो गई है। नायक उत्तरी गोवा से सांसद हैं। इलाज के बाद श्रीपद नायक की हालत स्थिर बताई जा रही है और वो सचेत हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी विजया नायक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि श्रीपद नायक की कार में 6 लोग सवार थे। श्रीपद नायक अपनी पत्नी के साथ मंदिर से वापस आ रहे थे। कोरोना महामारी के बीच देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसके मद्देनजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संस्थान से कोविशील्ड वैक्सीन को अलग अलग स्थानों पर भेजने का काम 12 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो गया। सुबह मिली तस्वीरों में सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स को पुणे एयरपोर्ट ले जाने के लिए 3 कंटेनर ट्रकों को बुलाया गया। इन ट्रक्स में वैक्सीन को 3 डिग्री तापमान में रखकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से कुल 8 उड़ानें कोविशील्ड वैक्सीन को 13 अलग अलग जगहों पर जाएंगी। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को विवादित बयान के एक मामले में कोर्ट से झटका मिला है। आम आदमी पार्टी विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक शख्स ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को एक अन्य बयान में नाराज होकर ऊपर स्याही फेंकी थी। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। दरअसल केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में पैदा हो रहे बच्चों को लेकर ऐसा कुछ कहा था जिसको लेकर मामला बढ़ गया। इस बयान के बाद सोमनाथ भारती पर जगदीशपुर थाने में केस दर्ज किया गया। सोमनाथ भारती ने सुल्तानपुर में जो बयान दिया था उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष था। रायबरेली में सुबह गेस्ट हाउस में पुलिस ने जब उन्हें बाहर जाने से रोका और हंगामे की स्थिति होकर नारेबाजी होने लगी, तभी किसी ने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंक दी। हालांकि बाद में पुलिस ने स्याही फेंकने वाले को हिरासत में ले लिया।